बहुत बढ़िया नज़ारा, खासकर जब आप उड़ान शुरू करेंगे और रास्ते में भी मौसम काफ़ी साफ है। व्हाट ए लवली व्यू इट इज़ दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली एंट्रिंग इनटू दीमापुर एयरपोर्ट। क्यूट सा एयरपोर्ट है ये, करते हैं चेक इन। तो दोस्तों फाइनली बोर्डिंग पास मिल गया, चेक इन भी हो गया और अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर। देख लो 12 बज रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम है। 1:20 पर अपनी फ्लाइट है यहाँ दीमापुर से और ये है इनका वेटिंग एरिया। और पीछे टॉयलेट भी है और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी मिलता है। तो यही छोटा सा ये एयरपोर्ट है दीमापुर का, क्यूट सा एयरपोर्ट आई वुड से। और कुछ टाइम नहीं लगता है यहाँ पे आपको, आई मीन लगेज चेक इन वगैरह करने में 10-15 मिनट में सब कुछ हो जाता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो वेट करते हैं अपनी फ्लाइट का और कुछ और भी अमेजिंग होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सामने बाहर जाने का गेट जहाँ से बस लेंगे और प्लेन की तरफ जाएंगे। उड़ने के लिए बहुत बढ़िया नज़ारा, खासकर जब आप उड़ान शुरू करेंगे और रास्ते में भी मौसम काफ़ी साफ है। आप अपना ख्याल रखिए, ये लंबी उड़ान है, मैं आपसे आराम से बात करूंगा। हमारे साथ उड़ने के लिए शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय होगी। धन्यवाद।
रेलवे स्टेशन। व्हाट ए लवली व्यू इट इज दोस्तों, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे दीमापुर में, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है। हाइट्स पे हम लोग जा रहे हैं, ऑलरेडी काफ़ी हाइट पे हैं, वो अभी क्लाउड के ऊपर से जाए हैं हम लोग, क्योंकि प्लेन हमेशा क्लाउड के ऊपर ही फ्लाई करता है। बहुत ही अमेजिंग होने वाली है ये 2 घंटे 25 मिनट की जर्नी, नागालैंड दीमापुर टू न्यू दिल्ली। राजमा राइस और ये सब भी आप ले सकते हो, पर वो सब खाने का मन नहीं था तो वो भी ऐसी कम बारी आएगी, तो 2-3 मिनट वेट करते हैं जब तक ये बनती है। आप कीजिए एंजॉय। नीचे कोई रिवर है यार, देखो दोस्तों क्या होता है, इसमें गर्म पानी डाल देते हैं लोग और 3-4 मिनट वेट करना पड़ता है अंटिल ये परफेक्टली होती है। तरीके से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप प्री बुक कर सकते हैं जब टिकट बुक करते हैं उस टाइम पे, और उसमें काफ़ी लिस्ट में काफ़ी चीज़ें होती हैं, पर जब आप ऑन स्टैंड करते हो तो कुछ चीज़ें लिमिटेड होती हैं, वो फिर आपको वो नहीं मिल पाएगा। अगर आपको सैंडविच वगैरह ये सारी चीज़ें खानी है तो आप अपनी टिकट के साथ ही ये बुक करें तो ज़्यादा बेटर। ऑन स्टैंड आपको राजमा चावल और मैगी
कॉफ़ी पानी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और भी कई सारी चीज़ें ऑप्शन होंगे। थोड़ी देर में दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का ट्रेन का वो सॉरी ट्रेन बोल रहा हूँ इस प्लेन का वॉशरूम, वॉशरूम की तरफ चलते हैं थोड़ी देर में जो कि पास में ही है। पूरा क्रॉस कर चुके हैं, पहुंच गए हैं, ये ऊपर से नीचे जा रहा है बनारस और अभी यहाँ से लगेगा एक घंटा और दिल्ली तक पहुंचने में जैसे अनाउंसमेंट हुई थी उसके अकॉर्डिंग। तो काफ़ी अच्छा रहा ये सफ़र अभी तक, देखते हैं। बेल्ट नंबर 7 चलें T3 टर्मिनल है अपना डोमेस्टिक। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर से टैक्सी लेके सीधा अपने घर। तो ये सफ़र था नागालैंड से न्यू दिल्ली तक का, यानी कि दीमापुर से न्यू दिल्ली तक का। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो बस और इसी के साथ में ये अपनी नागालैंड की सीरीज़ भी एंड करेंगे। तो आपको कोई कमेंट हो तो आप अपना कमेंट करके मुझे बताएं और फिर मिलेंगे फिर किसी दूसरी नई सीरीज़ के साथ में।
बाहर हो रही है काफ़ी रेनिंग,